दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल टेकपोर कुमार में। हम अमित आप लोगों का आज हम बताएंगे रिफर एंड आन के बारे में। एक नया एप्लीकेशन मतलब पुराने वाले ट्रस्टेबल एप्लीकेशन ही है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो स्क्रीन पर ले आते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं सब कुछ, सारा प्रोसेस कैसे कैसे करना रहेगा, कैसे आप लोग रिफ़र करना है, कैसे आपका अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप लोगों को OTP डाल के मतलब कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके साइन अप करके अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग उसके बाद फुल नेम डाल देना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो एंड कंटिन्यू विथ जीमेल मतलब मेल से भी डायरेक्ट साइन अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पैन कार्ड का पिक्चर डाल देना है, तो यहाँ से फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गैलरी मतलब डायरेक्ट फोटो खींच के भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपलोड कर लिया, उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर उसमें पैन नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर उसके फादर का नेम, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग बैंक अकाउंट यहाँ पर आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से डाल देंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद यस इंस्टेंट KYC विद डिजी लॉकर या नो। ठीक है, तो इंस्टेंट KYC डिजी लॉकर से आप लोगों को कर लेना है। इसके लिए आप लोगों को मतलब आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग अपना आधार नंबर डाल लेंगे, उसके बाद OTP डाल के कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो कैसे इंटरफेस आता है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर में सिक्योरिटी पिन मांग रहे हैं, तो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डाल के कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे, KYC सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्फी वेरीफिकेशन, यहाँ पर सेल्फी डालना होगा हम लोगों को, तो सेल्फी अपना डाल लेते हैं, उसके बाद कॉन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे हम। सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपलोड भी कर सकते हो और डायरेक्ट मतलब ऐसे कर भी सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद एक्टिवेट डेरिवेटिव्स इसको स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप करने के बाद डू इट लेटर, इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, परंतु इसको हम प्रोसीड करेंगे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखे। ठीक है, डू इट लेटर भी कर सकते हैं इसको आप, इसके में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिलो 5 लाख, ठीक है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद प्राइवेट करेंगे, आधार करेंगे, जो भी आपका मतलब एम्प्लॉय टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक डिटेल आप लोगों को फिलअप करना है, जैसे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, जैसे आप लोगों को फंड सिक्योरिटी का सेटलमेंट कैसे चाहिए, ये सब आप लोग सिलेक्ट करके नॉमिनी अगर आपको ऐड करना है तो नॉमिनी ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं ऐड करना है तो मत ऐड कीजिएगा, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं अपने भाई को, उसके बाद सेव नॉमिनी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मतलब क्या करना रहेगा, यहाँ पर NSDL ई गवर्नमेंट साइट पे ले जाके आप लोगों को मतलब अपना आधार फिर से एक बार मतलब KYC कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP आ जाएगा, OTP यहाँ पर डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेंगे। NSDL ई गवर्नमेंट साइट से आप लोगों को एक बार पूरा अच्छे तरीके से KYC कम्प्लीट कर लेना है। तो देखिए कैसे प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस हमारा OTP डाल दिया एंड वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को मतलब पैसेंट रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद प्ले स्टोर पर हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे एंजल वन सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम ओपन कर लेते हैं, आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद मतलब ओपन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिन मांगा जाएगा, जो पिन हमने सेलेक्ट किए थे तो उस पिन को डाल के हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं, अकाउंट ओपनिंग के बाद आप लोगों को क्या करना रहता है, जिसमें आप लोगों का पूरा जो एकदम 1000 रुपया मिल रहा है, तो 1000 रुपया आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, तो अकाउंट को हम लोग मतलब लॉग इन किए, लॉग इन करने के बाद हम लोगों को एक छोटा सा मिनिमम एक ट्रेड कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग माई अकाउंट पर आ जाएंगे, उसके बाद ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 100 रुपया मिनिमम आप लोग को ऐड करना रहता है, तो 100 रुपया हम लोग मिनिमम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू हम लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चले जाएंगे अपने गूगल पे पर, आप किसी भी मतलब किसी भी UPI थ्रू इसको पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू मतलब डेबिट कार्ड थ्रू जैसे भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोगों को दिखाई नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम पे कर देते हैं अपना UPI पिन डालकर। तो UPI पिन डालने के बाद क्या होता है उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा 100 रुपया सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अकाउंट पे ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच लिस्ट पर जाएंगे, वॉच लिस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, एक छोटा सा मिनिमम से एक ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को ट्रेड करना है वो ट्रेड हम लोग मतलब सर्च कर लेंगे ऊपर में, उसके बाद ट्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं आइडिया,
आइडिया का छोटा सा ट्रेड होता है, तो यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे और उसके बाद 7 रुपया 80 पैसा लग रहा है हम लोगों को एक मिनिमम एक खरीदने पर, ठीक है। तो हम लोग मतलब जितना चाहे अपने मर्जी से मतलब खरीद सकते हैं, 7 रुपया 80 पैसा करके लग रहा है एक क्वांटिटी का। तो हम लोग मतलब यहाँ पर जितने चाहे वहाँ उतना ट्रेड कर सकते हैं, तो हम मिनिमम 50 रुपये या 100 रुपये का ट्रेड कर देंगे, ठीक है। फिर उसको अगले दिन मतलब 2 दिन बाद हम उसको सेल करके वो पैसा भी मतलब विदड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना खरीदेंगे, हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। मार्केट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्डर प्लेस्ड बट पेंडिंग, ठीक है। हम लोग कॉन्फर्म कर दिए, 2 शेयर हम लोग खरीद लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्स पर क्लिक करके हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा क्या में है, हमारा पेंडिंग में शो कर रहा है, ये थोड़े देर में हम लोगों का सक्सेसफुल भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे, होम पेज पर आ जाने के बाद हम लोग क्या करने रहेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा कि इंट्राडे यहाँ पर रेफर एंड फ्रेंड टू अर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो 1000 रुपये का वाउचर मिलेगा, अमेजन का वाउचर, जो हम लोग रिडीम करके मतलब अकाउंट पर भी मतलब ये पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे शेयर करने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग व्हाट्सएप से चाहे उनके नंबर पर मैसेज से, ठीक है, किसी भी थ्रू हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना रहेगा, हम लोगों को देखो रिफ़र करने से पहले एक मिनिमम छोटा सा ट्रेड कर लेने, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उससे आप लोगों को मतलब साइन अप करके जब आपका अकाउंट बन जाएगा, अब अगर आप रिफर एंड अर्न से इनकम करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा मिनिमम से एक ट्रेड आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग मतलब ऐसे ही मतलब अकाउंट बनाओगे तो आप लोगों को ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख आप लोग देख सकते हो कि कितना हम लोगों को मतलब पैसा मिला है यहाँ से साइन अप का, और साइन अप का लगभग सक्सेसफुल KYC 155 है, हमारे पेंडिंग 0 पड़े हुए, ठीक है। टोटल रिवार्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13,241 रुपये तक हमको मिला है, ठीक है। ये हमारा बैंक पे भी ट्रांसफ़र हो चुका है, हमने ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग भी ऐसे ही मेरे तरह इनकम करना चाहते हैं तो आप लोगों की नीड थी, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि ये बहुत ही पुराना एप्लीकेशन है, आप लोगों को पता है एंजल वन, आप लोगों को बहुत मतलब बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जिन लोगों को पता है पहले से। अगर जिन लोगों को पता नहीं है वह मतलब हमारे वीडियो पे अगर कोई नया आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।